I'll be doing a very quick revision of the chapter, that is democracy, what democracy and why democracy, right? And you all have to learn now everything, because whenever the test will be there, I have to schedule your test also. And जो भी आपका टेस्ट होगा उसमें सब्जेक्टिव विल ऑल्सो बी एडेड. सो दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू सी बी एस ई नाउ यूल बी हैविंग बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, राइट? This is the very first chapter of our political science, and this will be coming in your exams now. The very first question is India. हमारा जो है अभी मतलब we have started off with 9th standard, ठीक है? And आपका जो ये वाला 9th में जो है ये चीज आपके 10th तक जाएगा. Some of the concepts, I'm not talking the entire chapter. लेकिन कुछ कंसेप्ट्स आपके 10th में भी आएंगे, कुछ कंसेप्ट्स आपके आएंगे. तो एक सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है कि आपके बुक का नाम भी है, अगर आप देखो तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, एंड आपका 9th में है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, एंड इन 10th स्टैंडर्ड यू विल बी हैविंग पार्ट 2. सो व्हाट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मीन्स व्हाट इज डेमोक्रेसी, और उससे रिलेटेड हमारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो हम लोग जो है डेमो मतलब कि इस इन बुक्स में पढ़ते हैं. तो द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट कम्स इन अवर पेपर इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई वी नीड टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी. पहला तो है कि डेमोक्रेसी किसको कहते हैं एंड क्यों हमें डेमोक्रेसी करना चाहिए. तो सबसे पहले तो बच्चा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक में फर्क क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेम, क्योंकि जब आपको पता होगा कि नॉन डेमोक्रेटिक हम किसको बोलते हैं देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर होता है. तो द वेरी फर्स्ट इज कि डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है, द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. मतलब एक सिंपल जो इसका डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी जो कंट्री होता है उसका जो रूलर होता है उसको हम थ्रू द इलेक्शंस एंड दैट इलेक्शन विच इज कंडक्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन एंड जिसमें सारे के सारे लोग जो है दे पार्टिसिपेट दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी. एंड इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ये आपके 1-1 मार्क का क्वेश्चन है, डेमोस एंड क्राटोस, यानी कि क्रेशिया. डेमोस एंड क्रेशिया इट्स अ ग्रीक वर्ड. ये जो डेमोस एंड क्रैटोस है दिस इज दीज आर ग्रीक वर्ड्स विच मीन्स द रूल बाय द पीपल. ये जो डेमोक्रेसी है इसका सबसे पहला जो बहुत अच्छा डेफिनेशन जो है दैट वाज गिवन बाय अब्राहम लिंकन, और आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है इन ऑल द 9th स्टैंडर्ड. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन, democracy is a government of the people by the people and for the people. What is the meaning of that, yani ki logo se bana hua, the representatives are from the citizens only. Ye alag se koi nahi hote, like in non democracy jo aapke military hai या फिर जो आपके राजा के घर वाले होते हैं दे आर द रूलर्स. लेकिन इन डेमोक्रेसी द पीपल के जो पीपल अपने ही अंदर से रिप्रेजेंटेटिव्स को ढूंढते हैं एंड दे आर आल्सो चूजन बाय द पीपल एंड दे रूल फॉर द पीपल.
That is the definition given by Abraham Lincoln. One marker question. So now when I started, I said कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि non democratic country में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम democracy को better बोलते हैं. In non democracy सबसे पहले non democracy के जो आपके मतलब what you call as examples are non democratic के जो example आपके होते हैं डिक्टेटरशिप, मिलिट्री, मोनार्की, दीज आर नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स, यानी कि जहां पर जो आपका रूलर है वो खुद को डिक्टेटर बना देता है, यानी कि ही जस्ट डिक्टेट्स द टर्म्स, वो जो है टर्म्स को डिक्टेट करता है कि भाई मैं जो बोलूंगा वॉट एवर आई एम गोइंग टू से दैट विल बी द रूल. फॉर एग्जाम्पल आपका जो हिस्ट्री में पढ़ा था आपने हिटलर. देन इट कैन बी मिलिट्री, जैसे आपका म्यांमार है वहां आर्मी रूल है. और इट कैन बी अ मोनार्की, यानी कि आपके जो किंगडम है. हमारे यहाँ पर हम कहानियां पढ़ते हैं गुप्ता डायनेस्टी, हम पढ़ते हैं मुगल डायनेस्टी. मुगल डायनेस्टी के अंदर बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, दे ऑल वर किंग्स. और इनके में क्या होता था, बाबर की डेथ हुई तो अकबर आ गया, अकबर की डेथ हुई तो जहांगीर आ गया, जहांगीर की डेथ हुई तो शाहजहां, शाहजहां की डेथ हुई तो औरंगजेब, औरंगजेब की हुई तो बहादुर शाह जफर. यानी कि जो रूलर होता है ही इज फ्रॉम द फैमिली, ही इज फ्रॉम द फैमिली. लाइक आपका भूटान जो है इट्स अ मोनार्की. इवन इन सम कंट्रीज लाइक जापान ऑल्सो दे हैव द प्रिंस. बट डेमोक्रेसी में देर इज नो, ऐसा कोई विरासत में नहीं है. द पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इफ यू लुक इन टू द नॉन डेमोक्रेटिक, पीपल डू नॉट हैव द राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स. पीपल तो वहां पे होते ही नहीं, उनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट्स. इन नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स हमारे जो सिटीजन होते हैं उनको हम बुलाते हैं सब्जेक्ट्स. वी डोंट कॉल देम एज सिटीजन्स. सिटीजन्स जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी. एंड नॉन डेमोक्रेसी में दे मे यूज मिसकंडक्ट लाइक डिक्टेटरशिप में आपने पढ़ा था अबाउट नाजिज्म. तो व्हाट उन्होंने कितने एट्रोसिटीज, कितने क्रूअल मेथड्स यूज किए थे. दे कैन नॉट ओपन देयर वॉइस, दे कैन नॉट से एनीथिंग. जैसे हमें पता है कि इन द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिटलर जर्मनी में क्या हुआ नोबडी न्यू. इन द मिलिट्री रूल देर आर वेरी स्टर्न रेगुलेशंस. मिलिट्री और डिक्टेटर तकरीबन सेम होता है. द ओनली डिफरेंस इज डिक्टेटर में एक आदमी डिक्टेट यानी कि प्रेसिडेंट बन जाता है. इन द मिलिट्री इज रूलिंग. वेयर इज इन अ डेमोक्रेटिक रिजिम, अगर कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं तो उनमें सबसे पहले तो वी हैव द इलेक्शंस टू चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक इंडिया, श्रीलंका, यूएस, यूके. वी कैन एक्सप्रेस अवर थॉट्स यूजिंग द मीडिया. We can express our thoughts using the poetry, literature. We can nominate our leaders. And अगर हमें लगता है कि जो हमारे leaders हैं they are not worth, तो we can change them. ये वाला जो question है difference between democratic and non-democratic, ये आपके 3 marker question है. एंड आपको टेबल बनाकर प्रॉपरली लिखना है. नाउ यू कैन सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. इन म्यांमार द आर्मी रूल इज देयर. इन चाइल्ड
पिनोशे करके था, द चैप्टर इज नाउ ओमिटेड, पहले ये चैप्टर था, देयर वॉज, कि चाइल्ड में क्या हुआ कि देयर वॉज डेमोक्रेसी, चाइल्ड के अंदर पहले डेमोक्रेसी ही थी, चाइल्ड इज अ प्लेस इन सदर्न अमेरिका की तरफ, वहां पर, देन व्हाट हैपेंड इज, वहां जो रूलर था ही वॉज वेरी पॉपुलर, इनफैक्ट उसने एजुकेशन, देन मिल्क, ये सब फ्री किया था, बट एक दिन वाइल ही वॉज देयर, September 17 ही वॉज देयर इन हिज ऑफिस, मतलब अपने उसमें था बिल्डिंग में, अचानक से पिनोशे के जो रूलर, मतलब कि जो सपोर्टर्स थे, उसने उनको अटैक किया, पिनोशे का जो जो रूलर था उसको मार दिया, उसकी जो डॉटर थी उसको बंदी बना लिया, एंड पिनोशे बिकेम द रूलर ऑफ चाइल्ड। लेटर ऑन उसने कहा कि जब तक वो जिंदा है ही वुड बी द रूलर ऑफ दिस कंट्री, इन दी कंट्रीज लाइक घाना, अफ्रीका, द पीपल डू नॉट चूज देयर रूलर्स, यानी कि यू कैन नॉट कॉल देम एज डेमोक्रेटिक। नाउ लेट अस कम टू द एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज विच आर वाई अंडर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, ये वाले जो मैंने बना रखे हैं ये सारे आपके 3 या 5 में आता है, चाइना वाला 3 में आता है एंड पाकिस्तान वाला 5 में आता है। इन पाकिस्तान व्हाट हैपेंड इज इन 1999, उससे पहले आपका पाकिस्तान वाज अंडर बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो वाज वन ऑफ द, मतलब कि वहां पर जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी है उसकी लीडर थी, एंड शी वॉज रूलिंग ओवर पाकिस्तान, शी हैड अ गुड पॉपुलैरिटी, बट शी वॉज मर्डर्ड ऑन 27 नवंबर, आई थिंक दिसंबर। परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, एक कूप, नाउ व्हाट इज कूप, अ सडन मिलिट्री अटैक, कूप का मतलब होता है सडनली मिलिट्री आकर जो है जो रूलर होता है उन पर अटैक कर देती है, उनको पकड़ लेती है, एंड एस्टैब्लिश्ड हिज पावर इन पाकिस्तान, उन्होंने क्या किया वहां पर अपना पावर एस्टैब्लिश कर दिया। सबसे पहले ही इश्यूड अ रेफरेंडम, नाउ व्हाट इज रेफरेंडम, एन ओपन वोट, हाँ या ना, लेकिन उसमें उसने बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस किए थे, एंड देन उसने अपना नाम, पहले तो उसने अपना नाम रखा था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसने पहले तो अपना नाम रखा था अपना चीफ एग्जीक्यूटिव, बट लेटर ऑन ही शिफ्टेड हिज पोजीशन टू प्रेसिडेंट, एंड जब लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे, व्हेन पीपल प्रोटेस्टेड, तो उसने कहा कि उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें काफी अमेंडमेंट्स किए, ही अमेंडेड द लॉ, एंड व्हेन पीपल स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट हिम तो उसने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया, एंड ही सेड इलेक्शंस विल बी देयर, इलेक्शंस विल बी देयर, उसने कहा इलेक्शंस होंगे, लेकिन ये जो इलेक्शंस होते थे इनमें क्या होता था, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, जो उसके ऑफिस में काम करते थे, दे वर द कंटेस्टेंट्स, उनको ही इलेक्शन में खड़े होने की परमिशन थी, द पीपल हु वर फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, उनको उन रिप्रेजेंटेटिव्स के नीचे काम करना पड़ता था, ऑल द पावर वॉज ईदर विद परवेज मुशर्रफ या फिर जो उसके मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनके पास होता था, जो बाकी लोग होते थे जिनको इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट इलेक्ट किया जाता था उनके पास कोई पावर नहीं था, उनको सिर्फ काम करना पड़ता था, दे वर जस्ट पपेट्स, सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट कॉल द रूल अंडर परवेज मुशर्रफ एज डेमोक्रेटिक, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात होती है इलेक्शंस आर देयर एंड द रूलर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, लेकिन यहां पर क्या था, जो रूलर्स थे वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, वो तो परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री के खिलाफ
कैबिनेट थे, और जो लोगों को मतलब कि थ्रू द इलेक्शन इलेक्ट किया था, दे यूज टू वर्क अंडर द मिलिट्री. नाउ कम टू चाइना. चाइना हैज ऑलवेज बीन अ कम्युनिस्ट पार्टी. वहां वैसे कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं है. दे हैव नेवर ट्राई टू गो फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो, क्योंकि वहां पर हमेशा ही कम्युनिस्ट पार्टी रही है. मीन्स वन पर्टिकुलर पार्टी जो है, इट हैड मोर पावर. एंड इफ एनी वन हैज टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, इलेक्शंस होंगे वहां, लेकिन अगर कोई भी इलेक्शन में होगा तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही मेंबर होगा. और आपको इलेक्शन में खड़े होने के लिए सबसे पहले तो यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द पार्टी. एंड उनके 8 छोटे छोटे पार्टीज हैं, या तो आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का, देन यू कैन कंटेस्ट. यू कैन नॉट कंटेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यू कैन नॉट कंटेस्ट एज एनी अदर पार्टी. दैट इज वन पार्टी सिस्टम है वहां. एंड द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ओनली. जो भी वहां पर होता है वो उसी का मेंबर होता है. सो हाउ कैन यू कॉल, जब कोई आपका कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो आप डेमोक्रेसी कैसे बोलते हो? डेमोक्रेसी में तो देयर शुड बी सम चॉइस. भाई मुझे ये वाला नहीं पसंद है, मैं दूसरे को चॉइस तो कर सकती हूँ, मतलब कि जीत कर कोई भी आता है, बट आई डोंट वॉन्ट टू कास्ट माई वोट टू दिस पर्टिकुलर पार्टी. बट वहां ऐसा नहीं है. ईदर यू हैव टू बी मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके जो छोटे एलाइज है, यानी कि उनके सपोर्टर्स. उनके एलाइज मीन सपोर्टर्स. इन मेक्सिको दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस इन 1930. इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री. एंड वहां पर जो इलेक्शंस हैं वो सिर्फ एक ही पार्टी जीतती है. मतलब वहां दूसरी पार्टियां हैं. चाइना में तो पार्टी ही नहीं है, लेकिन वहां पार्टीज हैं. लेकिन एवरी टाइम द इलेक्शंस आर वन बाय इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. क्यों? क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है. नो, दे यूज डर्टी ट्रिक्स. वहां पर जो है डर्टी ट्रिक्स यूज किया जाता है. लास्ट मिनट में, मतलब अभी थोड़े देर बाद इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपका जहां इलेक्शन होना वो जगह बूथ को बदल देते हैं. दे आस्क द पेरेंट्स टू, मतलब कि जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को धमकाया जाता है दैट दे हैव टू ओनली वोट. गवर्नमेंट के सारे जितनी पार्टीज होते हैं सबको अटेंड करना पड़ता है. दैट मीन्स देयर इज नो फ्री एंड फेयर इलेक्शन. वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते. इलेक्शंस होते हैं, ऑपोजिशन भी है, लेकिन इट इज नॉट फेयर बिकॉज दे यूज डर्टी ट्रिक्स. इन जिम्बाब्वे द रूलर इज जानू पीएफ. जिम्बाब्वे का अपना नेशनल, एंड दे हैव अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेनी टाइम्स जिससे कि उनका जो प्रेसिडेंट है उसको ज्यादा पावर मिल जाए. एंड ऑपोजिशन जो है उनको हैरेस किया जाता है. एंड मीडिया इज नॉट अलाउड टू पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट द रूलर. मीडिया सेंसॉर्ड, मतलब मीडिया को अलाउड नहीं है कि वो रूलर के खिलाफ कुछ भी बोले. तो अब आप देख सकते हो कि ये जो चार कंट्री है, द वेरी फर्स्ट आपका है चाइना, वेयर नो रिप्रेजेंटेटिव इज देयर. पहली कंट्री जो है वहां पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ओनली द पीपल बिलोंगिंग टू परवेज मुशर्रफ कैटेगरी आर सपोज टू. इन सेकेंड वन इट इज अ वन पार्टी, यानी कि देयर इज नो ऑपोजिशन, नो चॉइस. इन द थर्ड नो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. तीसरे वाले में हमने देखा कि इलेक्शंस जो है
वो फ्री एंड फेयर नहीं है, उसके अंदर गलत ट्रिक्स यूज किए जाते हैं. एंड इन द लास्ट वी हैव सीन दैट देयर इज नो लॉ. लॉ नहीं है क्योंकि वो लोग जब चाहते हैं तब वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं. तो ये जो चार चीजें हैं, नो रिप्रेजेंटेटिव्स, वन पार्टी, नो फ्री फेयर, नो लॉ, दीज आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. यानी कि इन डेमोक्रेसी यू द पीपल हैव द राइट टू चूज द इलेक्शंस, टू सॉरी देयर इलेक्टर्स, द रूलर्स. देयर इज ऑलवेज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. हमेशा वहां पर जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं. द रूल इज बाय लॉ. यानी कि वॉट एवर इज डन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ इज नॉट चेंज इन वन गो. एंड दे प्रैक्टिस वन मैन वन वोट वन वैल्यू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. Now, if we look into the countries like Saudi Arabia, in Saudi Arabia, comparison, अगर हम boys, men and women करते हैं, तो women have less rights. क्योंकि मैंने यहाँ पे इसीलिए less लिखा है. पहले आपके जो है, the women did not have any right. But now, the women are having the rights, but they are comparatively less. In Estonia, विच इज नियर रशिया आपका, वहां पर जो रशियन माइनॉरिटीज रहते हैं, अब हमारे यहाँ पर भी यू नो हिंदूज आर देयर, मुस्लिम्स आर देयर, क्रिश्चियंस आर देयर, बट हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस हैं दे आर माइनॉरिटीज, क्योंकि उनका पॉपुलेशन कंपेयर टू हिंदू कम है. लेकिन फिर भी उनको वन मैन वन वोट वन वैल्यू दिया गया है. इन आर कंट्री, वेदर यू आर अ क्रिश्चियन or you are a Hindu or a Muslim, you have the same rights. वहाँ पे Russian minorities को नहीं मिलते. In Fiji Island, which is near Japan, वहाँ पर क्या है कि बहुत सालों पहले the Indians had settled over there. बहुत सारे यहाँ से जो Indians थे वो लोग वहाँ पर, उनको जबरदस्ती भेज दिया गया था as indentured laborers. वो वहीं सेटल हो गए. जैसे मलेशिया में भी आपके मलाइज आर द मलेशियंस एंड तमिल्स. अगर आप मलेशिया जाओगे तो आपको वहां छोटा सा लिटिल इंडिया दिखाई देगा. लिटिल इंडिया मतलब दैट एंटायर एरिया इज कवर्ड विद ओनली तमिलियंस. तमिल गाने बजते हैं, तमिल खाना मिलता है, एवरीथिंग इज देयर एंड दे हैव द राइट्स ओवर देयर. In the similar manner in Fiji, you will find Indians, Fiji Indians. लेकिन उनको जो है rights as compared to जो Fiji के original people हैं, उनको कम मिलता है. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. If a person, हमारे यहाँ Parsis settle हुए थे. Parsis had settled in Gujarat. Today, they are having the equal rights. अभी 16th of August को Parsi New Year था. महाराष्ट्र में holiday था. मतलब दे आर गिवन ऑल द फैसिलिटीज. महाराष्ट्र में हॉलीडे था. हमारे यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे एंग्लो इंडियंस इन गोवा, बट दे गेट द सेम राइट्स. इनफैक्ट हमारे यहाँ राज्यसभा के अंदर, हमारे यहाँ राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स चूज होते हैं, विद दोज हु आर चूजन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनमें एक एंग्लो इंडियन होता है. यानी कि हमारे यहाँ पर In a country like India, everyone has equal rights. That means, ये वाला जो मैंने feature बनाया है आपका web chart में, this will come as a 3-marker question. Now, ये तो हमने पढ़ा कि democracy कितना अच्छा होता है. But is really democracy good? Why do people want to go for dictatorship? अगर डेमोक्रेसी इतना अच्छा है तो हम डिक्टेटरशिप क्यों चाहते हैं?
तो सम पीपल से दैट डेमोक्रेसी इज गुड, वेयर एज सम पीपल से नो इट इज नॉट गुड. तो लेट अस सी व्हाट इज द डिबेट. ये वाला जो अगेंस्ट एंड फेवर है ये तीन तीन मार्क्स में आता है आपका. राइट सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, और ये वाला जो क्वेश्चन है नॉर्मली इट कम्स इन द चॉइस, राइट सम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. तो जो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट गुड, उनका कहना है कि एवरी 5 years लीडर्स चेंज. आपके सेम लास्ट ईयर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वही तो नहीं है. लास्ट ईयर समवन एल्स वाज द एक्सटर्नल मिनिस्टर, इस बार कोई और है. लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर कोई और था तो अब कोई और है. तो जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो देयर इज नो स्टेबिलिटी. वेयर इज इन जब राजा होता है तो वो पूरे मतलब जब तक उसकी डेथ नहीं होती वही होता है, तो उसने जो भी रूल बनाया होता ही नोस. पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज टू मच देयर एंड देयर इज पावर प्ले, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं. यू कैन राइट नाउ सी द सेंटर एंड स्टेट. सेंटर कहता है ये गवर्नमेंट खराब है, इसने 75 years हमारा खराब किया, तो ये कहते हैं कि तुम मतलब कि स्कैम हो. सो इट इज ऑल अबाउट द पावर प्ले, इट्स ऑल अबाउट एलिगेशंस. किसी को ये परवाह नहीं कि लोगों को क्या परेशानी हो रही है. दे आर ओनली बॉदर्ड इन देयर ओन पावर प्ले. कौन मतलब कि अगर ये वाला गवर्नमेंट गिर गया तो मैं अपना बना लूंगा. द लीडर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द कॉमन मैन्स प्रॉब्लम. हमारी जो प्रॉब्लम होती है उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है. दे आर नॉट दैट मच अवेयर करप्शन, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स. डेमोक्रेसी उन्हें पता है तो दे यूज माल प्रैक्टिस. एंड फॉर अस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ले लो, सबका एजेंडा सबका मैनिफेस्टो एक ही रहता है. बस कोई ऐसे कहता है तो कोई ऐसे कहता है, बस दैट्स अ रूल. कोई कहता है मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर दूंगा तो कोई कहता है मैं फ्री पानी कर दूंगा, बट नो बडी इज एक्चुअली बॉदर्ड अबाउट एवरीथिंग. देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स. We pay the taxes. In many countries like US, जो लोग टैक्स देते हैं उनको हेल्थ benefits, एजुकेशन benefits मिलते हैं. हमारे यहाँ हमें क्या मिलता? We don't get any education benefit. That is why many people say democracy is not that much good. बिकॉज इन डिक्टेटरशिप आप एक मिनट में डिसीजन ले सकते हो, जैसे हिटलर ने लिया. उसने अपना जो इकोनॉमिस्ट रखा हाजम, उसने ऑटोबॉन जैसे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया, फटाफट अपना एम्प्लॉयमेंट का स्कीम लिया. लेकिन इन डेमोक्रेसी इट इज नॉट पॉसिबल. वी हैव टू गो थ्रू सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस. देयर इज नथिंग आपका. देन लीडर्स को पता होता है उन्हें कंट्री को डेवलप करना है, सो दे आर मोर इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो मेनी पीपल प्रेफर डिक्टेटरशिप ओवर डेमोक्रेसी. बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. क्यों? रीजन, बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेटर. इट इज अकाउंटेबल. मतलब अकाउंटेबल का मतलब क्या होता बच्चा? जवाबदारी. अब कैसे जवाबदारी? अब आपको क्या लगता है कि हम कैसे जवाब देंगे, हम कैसे जवाब लेते हैं? ओके, गो टू द गवर्नमेंट, उनसे पूछो भाई क्या जवाब है बताओ तुम्हारा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. मीन्स देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. एक आपका होता है राइट to information, RTI, right to information. यानी कि अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट का कोई डिसीशन, गवर्नमेंट ने पैसा कहाँ खर्च किया, यू वॉन्ट टू नो एज अ सिटीजन. आपके पास एक
आपके पास यू हैव वन चॉइस कॉल्ड एज आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, और आप गवर्नमेंट से जवाब ले सकते हो और जवाब आता है। सेकेंडली, अगर गवर्नमेंट काम नहीं करती अच्छे से, इफ द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क, देन व्हाट विल हैपन, अगली बार उनको इलेक्शंस में ठेंगा मिलेगा, यानी कि दे आर अकाउंटेबल। इफ दे वर्क दे विल विन, इफ दे डू नॉट वर्क दे विल लूज। सेकेंडली, इट इंक्रीजेस द डिसीशन क्वालिटी, क्योंकि एक इंसान नहीं ले रहा है। इन द मोनार्की और डिक्टेटरशिप अ सिंगल पर्सन इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस। यहां पर हमारा जो है, वी हैव द डिबेट्स। इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कैसे, एक हिंदू जो है ही सेज मुझे टेंपल बनाना, मुस्लिम सेज वी नीड दिस, तो एवरीवन हैज डिफरेंट गोल्स। और डेमोक्रेसी कोशिश करती है कि सबके परेशानियों को डील किया जाए। इट गिव्स अस सो मेनी राइट्स, हमें बहुत सारे राइट्स देती है। जैसे हमारे यहाँ पर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आर गिवन रिजर्वेशन, वीमेन हैव बीन गिवन सर्टन एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस, इट फॉलोज वन मैन वन वोट वन वैल्यू, यानी कि हमारी डिग्निटी को एनहांस करता है। एंड इफ द रूलर्स आर नॉट वर्किंग, अगली बार जब वो नहीं चूज होते हैं तो दे आर एबल टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स। और इसीलिए मेनी पीपल सपोर्ट डेमोक्रेसी। नाउ देयर आर, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहां हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, ठीक है। इन अर्लियर पीरियड क्या होता था, 15-20 लोग थे, 100 लोग थे, 1000 लोग थे, साथ में मिले, उन लोगों ने डिसीजन लिया, एंड दे वुड टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग एंड दे वुड बी टेकिंग द डिसीजन ऑन द स्पॉट, लाइक हमारा लोक क्या पंचायत। पंचायत में क्या है, सारे लोग मिल गए, गांव के सारे लोग आ गए, आज पंचायत खड़ी होगी, जिनका प्रॉब्लम्स है वो दोनों आ जाएंगे, जो 5 जने होंगे वो लोग वहां बैठेंगे, लेकिन जितने भी आपके गांव वाले हैं दे विल ऑल्सो बी देयर। और अगर पंच कुछ अनाउंस करता है तो वो कहेंगे नहीं हम ये मानते नहीं है, मतलब दे विल हैव द डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी। बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर हैविंग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि हम खुद डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लिया है जो हमारे लिए डिसीजन लेता है। जैसे हमने अपने इलेक्शंस में लोकसभा में अपने एमपीस एंड अपने मिनिस्टर्स को चूज किया है। ऐसा क्यों, आपके पेपर का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ऐसा क्यों, व्हाई, व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दिस इज बिकॉज अब पॉपुलेशन बहुत सारा है, फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पे खड़े हो जाएं। कल मैंने आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करवाया था, उसके अंदर आई टोल्ड यू दैट आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोर देन 10,000 पीपल आर देयर। तो अब 10,000 पीपल एक साथ खड़े होकर कैसे चूज कर सकते हैं, फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। एंड इवन इफ दे आर पॉसिबल, दे डोंट हैव दैट मच टाइम और स्किल्स। और इसीलिए हमने अपना जो ये काम है टू मेक लॉ फॉर अस, हम लोग इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, टाइम टू टाइम हम प्रोटेस्ट करते हैं, टाइम टू टाइम हम अपने राइट्स को यूज करते हैं, हम ये बताने के लिए कि हमें ये चाहिए। सो द पीपल हु आर चूजन बाय अस थ्रू द इलेक्शंस रूल ओवर अस, और इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वी कॉल इट एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। बट इज डेमोक्रेसी गुड और बैड, कौन कह सकता है,
जैसे अभी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी के कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो डेमोक्रेसी इज गुड और बैड, किस डेमोक्रेसी को आप गुड कहोगे? उस कंट्री का डेमोक्रेसी गुड है, इसका कंट्री का डेमोक्रेसी बैड है। इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? नो, डेमोक्रेसी कैन नेवर बी गुड और बैड। डेमोक्रेसी इज ओनली डेमोक्रेसी, इसमें कोई अच्छी डेमोक्रेसी या बुरी डेमोक्रेसी नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन। अगर हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो जो हम चाहते हैं वो हम मनवा सकते हैं। यस, जो हम चाहते हैं वो हम मनवा सकते हैं। वी कैन आस्क, वी कैन आस्क, लेकिन अगर हम चॉइस, अगर हम अपने वोट को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उस दिन मैं आपको नोटा का बता रही थी, इफ आई डोंट यूज माई वोट्स, इफ आई डोंट यूज माई डेमोक्रेटिक राइट्स, तो देन मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये डेमोक्रेसी बैड है। बाय पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस, बाय एक्सरसाइजिंग योर वोट्स, बाय रेजिंग योर वॉइस, आप हमेशा यू हैव द राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। लेकिन अगर हम खुद नहीं करें एंड हम पॉइंट आउट करें तो देन इट इज नॉट पॉसिबल। सो गांधी जी के अकॉर्डिंग वन मार्कर क्वेश्चन है, ट्रू डेमोक्रेसी इज व्हेन नो वन गोस हंग्री टू बेड, यानी कि द गवर्नमेंट इज एबल टू प्रोवाइड फूड क्लोथ शेल्टर्स टू ऑल। गवर्नमेंट के ऐसे स्कीम्स हैं जिनमें सबके लिए सब कुछ है, एंड इट इज ओनली पॉसिबल, अगर हम कहें गुड या बैड, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम बेटर पार्टिसिपेशन करेंगे। मैंने उस दिन आपको बताया था दैट इन 1940, 1950 व्हेन द इलेक्शंस फर्स्ट हुए थे हमारे यहाँ, व्हेन द इलेक्शंस वर फर्स्ट हेल्ड इन आवर कंट्री, एट दैट टाइम देयर वाज हार्डली 40% पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं था कि उन दिनों में छुट्टियां हो रही हैं, ऐसा नहीं था। द रीजन वाज पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट द इलेक्शन। उस वक्त में अगर आप देखोगे ना, पहला जो इलेक्शन हमारा हुआ था, दैट वॉज अ मैमोथ टास्क। मैमोथ मतलब बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उन दिनों में औरतों से अगर आप उनसे नाम पूछो तो वो कहेंगे जी मैं तो उसकी जोरू हूं, दे विल नॉट टेल देयर नेम्स। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेक द इलेक्टोरल रोल्स, मतलब वोटर लिस्ट बनाना मुश्किल था। उनसे पूछा जाता था आपकी एज क्या है, वो कहते थे मैं तो जी जो सावन का महीना था उसमें उसका नाम क्या है, उसके पूर्णमासी के 4 दिन बाद पैदा हुई थी। देयर वॉज नो डेट ऑफ बर्थ। हाउ हाउ कुड यू मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु कुड पार्टिसिपेट। एंड दूसरा, जब इलेक्शन हुआ तो उनको लगा जवाहरलाल नेहरू इज वेरी फेमस, तो हमें और हमें तो बस यही चाहिए, तो ठीक है हमें इलेक्शंस क्यों लड़ना है। ही वॉज वेरी ही वॉज सेड टू बी अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, एंड इसीलिए नोबडी वॉन्टेड, ठीक है ये। बट ओवर द पीरियड द पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज्ड। तब आपके ऑपोजिशन में एक या दो पार्टीज होती थी, बट आज वी आर हैविंग मोर देन 700 पार्टीज। यस, ही वॉज करिज्मेटिक। That is why उस वक्त में that was possible, but and we did not have this much of opposition parties also, because सबके जो
सब एक दूसरे के मतलब कि कहना मानकर चलते थे, दे अग्री टू ईच अदर पॉलिसी। अगर उन्हें लगता था, क्योंकि उस वक्त में वी हैड द लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, नेहरू देन आपके गांधी जी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, तो ये लोग सब इफ इट केम टू द कंट्रीज बेनिफिट तो दे वुड बी इक्वल विथ ईच अदर, दे वुड अग्री विथ ईच अदर। बट लेटर ऑन आपके पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, देयर वर नंबर, और आज अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन वी आर हैविंग मोर देन 700 पार्टीज, और उसमें से मेन आपके सिक्स है, मेन आपके सिक्स नेशनल पार्टीज हैं विच यू विल बी रीडिंग इन क्लास 10, द कांग्रेस, द बीजेपी, द जनता दल, द सीपीआई, द CPIM, देन आपका NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, देन आपका देन आपका BSP। टुडे वी आर हैविंग नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड एवरी वन हैज देयर ओन आइडियोलॉजी, तो वी कैन नॉट कॉल दैट दिस मतलब कि डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी गुड है, ये डेमोक्रेसी बैड है। इट डिपेंड्स ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दे कंटेस्ट, दे इवन एक्सरसाइज देयर वोट्स। आजकल आपने देखा होगा बिफोर द इलेक्शंस देर आर सो मेनी कैंपेन्स, एंड दिस वे जितना हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम अपनी बात को सामने रखेंगे, द डेमोक्रेसी विल डीपन। और ये जो मैंने अभी कंसेप्ट करवाया ना, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10, जिसमें यहां से आपका क्वेश्चन आएगा वहां पर। सो दिस इज हाउ democracy is considered as a better governance than any other form of government. कोई और फॉर्म से बेटर हमेशा डेमोक्रेसी होता है। दिस इज अ चैप्टर, what is, what democracy, why democracy?